आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के पांच महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांच महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे डायरेक्ट पांच पांच नंबर वाले। वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो का अंत तक देखना मेरे भाई, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आए हैं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आप समझ गए होंगे तुरंत। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, आंसर सात बताएंगे, आंसर सही बताएंगे, पांच नंबर का है मेरे भाई। दूसरा नंबर क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसको भी बताएंगे, लगातार कई बार पूछा चुका है, अगर आप पढ़ना चाहते तो आप समझ गए होंगे, ये डायरेक्ट पांच नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, लगातार तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण वो कैसे हल किया जाता है, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें आज वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो क्लिक किया तो वीडियो को अंत तक देखना। भाई पांचवा नंबर क्या है, द्रव तरंगे क्या है, लुई डी ब्रॉग्ली द्वारा है ना द्रव तरंगे को परिभाषित कीजिए, पूरा बताऊंगा। वीडियो क्लिक किया तो देखो तो पूरा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह कर देना है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहला नंबर, अब हम बात करते हैं पहला नंबर। पहला नंबर ये लिखा है मेरे भाई कि मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लेसन सात का होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जी हाँ दोस्तों, आंसर देखिए कितना सटीक बनाया है। क्या लिखा है, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलते हैं, अर्थात मैंने क्या बोला, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मेरे भाई एक बार फिर से लेते हैं, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलते हैं, अर्थात यहाँ पर आपको ब्रेकर लगाना, ठीक ऐसे ही लिखना है तभी नंबर आपको पांच मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने अप्लाई किया था, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं तो उस फिर ब्रेकर क्लोज, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, है ना। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत तथा तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इतना करने के बाद छोड़ देना है, तो आपको हेडिंग लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या क्या है, तो ज्यादा नहीं, तीन अभिलक्षण आपको लिखना है, तो आसान हो लिखने में भी और याद करने में भी, ठीक। तो आपको पहला नंबर लिखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। मैंने क्या बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है, आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर लो, ठीक, या क्वालिटी बढ़ा लो। दूसरा नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने क्या बोला, पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा नंबर ये लिखना कि ये तरंगे निर्वात में v बराबर 1/√u0ε0 वेग से चलती है, जिसका मान प्रकाश चाल के बराबर होती है। मैंने क्या बोला, इसका जो मान होता है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मेरे भाई इतना करना है, कोई ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है, मान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात उतना है कि जिस प्रकाश का आपका शरीर में ब्लड इंपॉर्टेंट ना, उस प्रकार से फिजिक्स के अंतर्गत ये पांचों की पांचों महत्वपूर्ण परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर ये लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। जैसा दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम पांच नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान है, तो याद कैसे करना है। देखिए भाई क्या लिखा है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश, भाई वैज्ञानिक का नाम तो लिखना पड़ेगा, ठीक, पहली बात तो ये है क्योंकि ये जरूरी है, भले आप याद कर पाओ, नाम कठिन है। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त पेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम कहते हैं या कहलाता है। अब ज्यादा देखिए, नियम तो चार पांच हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें कोई ये नहीं बोला गया कि तुम चार नियम लिखो या पांच नियम लिखो, इसमें ये बोला गया कि नियम लिखिए, नियम लिखिए। तो मेरे भाई तीन नियम आपको लिखना है, जो आसान नियम हो। मेरा कहना समझो क्या है कि आपको नियम तो लिखना है, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना, तीन लिखा है जैसे कि याद हो जाए, ठीक, बाकी ज्यादा लिखो कोई मतलब है, नंबर होता नहीं मिलेगा, है ना। नियम नंबर एक क्या है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुगुणानुपाती होता है। मेरे भाई पहला नियम कंप्लीट, अब बात करता हूं दूसरा नंबर क्या लिखा है कि दूसरा नियम क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिर सुन लीजिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बस ऐसे लिखते रहिए, पांच नंबर मिल जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन को लंबा नहीं किया जाता, क्वेश्चन को आसान कर दिया जाता है, ठीक। तीसरा नंबर क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, बस इतना करते हो, मेरी गारंटी के साथ पांच नंबर पक्का हो जाएगा, ये फिक्स है।
ये फिक्स है, ये आएगा जरूर, इसके आने के चांसेस पाए जाते हैं 90% चांस है मेरे भाई। मैं क्या बोला कि तैयार कर लेना है अभी से, लेसन 11 या लेसन 10 का होगा, जो भी हो आप समझ गए होंगे, आप पढ़ते तो आपको मिल जाएगा ठीक। तो मेरे भाई करना क्या आपको, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना। अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर लिखा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण लिखिए ठीक। मतलब समीकरण ये 5 नंबर या 8 नंबर पूछा जाता है ठीक, कभी कभी 5 नंबर कभी कभी 8 नंबर। तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे हेडिंग डालना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, हेडिंग तो पड़ गई। फिर क्या लिखना है, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपातिक होता है, इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम कहते हैं, प्रभाव कहते हैं, समझ लीजिए। लेकिन मेन मामला ये आइंस्टीन का समीकरण की व्याख्या करना था, यही तो आपका जरूरी है। तो यहाँ पर नंबर लिखना है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, हेडिंग पड़ गई। फिर यहाँ लिखना है ना नीले पेन से, आइंस्टीन ने जर्मनिक वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कि कोई प्रकाश फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटान की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, है ना, दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन को लिखते कैसे हैं, डब्ल्यू से ठीक। दूसरा नंबर क्या है, ये नंबर है, दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के प्रदान करता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के प्रदान करता है। क्या इतना में आपका नंबर मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। इसके आगे भी क्या करना है, जो समीकरण होता है कि हाफ एम बी स्क्वायर है ना बराबर एच वी माइनस वी न्यू, ये आपको दिखाना सेट। तो अभी तो और बाकी है ना, तो इससे पहले करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसके अभी इसी का और है तो स्क्रीनशॉट। आपको क्या करना है, आइंस्टीन के अनुसार मतलब उसी के नीचे लिखना, जो मैंने लिखवाया उसी के नीचे आइंस्टीन के अनुसार हेडिंग डालना है एच वी बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। डब्ल्यू क्या है, कार्फलन बोलते हैं, ई के क्या है, गतिज ऊर्जा, अभी सब बताएंगे ठीक। तो एच बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस ई के, एच बी बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। अब आपको ध्यान देना है, ई के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के ई के है ना, माइनस क्या हो जाएगा, ई के बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ये जो एच बी है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच बी ये हो जाएगा है ना, माइनस ई के बराबर डब्ल्यू माइनस एच बी। अब ध्यान देना है, जो माइनस इधर गुणा करा देना है तो ई के हो जाएगा ठीक, बराबर एच बी आगे आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो आपका इतना समीकरण बना, अभी और है, होता है डब्ल्यू बराबर एच वी नो है ना, एच न्यू है ना, एच वी नो है ना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एच वी जीरो, इसे किसका सूत्र है, देहली आवृत्ति का। क्या है, डब्ल्यू बराबर एच वी जीरो देहली आवृत्ति का सूत्र है। अब इसको इसे सूत्र में रख देना, तो मेरे भाई ध्यान से देखना, डब्ल्यू करना क्या है मेरे भाई, ई के वैसे रहेगा ठीक, एच वी लिखा है एच वी वैसे रहेगा, माइनस इस डब्ल्यू की जगह आपको इतना रख देना ठीक, तो क्या जाएगा, एच वी जीरो है ना। अब आपको ध्यान देना है, इसमें से एच कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वी माइनस वी जीरो है ना, ई के बराबर क्या हो जाएगा, एच ब्रेकर अंदर वी माइनस वी जीरो, ये बना, ये क्या है, समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया ठीक। ध्यान करना क्या है, यहाँ एक लाइन लिखना है, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग वी मैक्स हो तब ठीक। यहाँ पर क्या करना है, एक समीकरण ये लिखना है, तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा ई के बराबर मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² है ना, क्या होता है, 1/2 mv². मैंने आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा बराबर का सूत्र होता है 1/2 mv². लेकिन क्या है, यहाँ पर मैक्स लगा तो यहाँ पर भैया हो जाएगा मैक्स, बात इतने फर्क है। अब आप ये ध्यान देना कि ई के का मान कितना है, ई के जगह आप कितना, ई के जगह इतना लग देना है, तो एच वी माइनस वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 mv max, ये इतना हो जाएगा। अब आपको इतना तो दिखाना था, देख लीजिए क्वेश्चन, आप खुद स्वयं देख लीजिए क्वेश्चन में, आप मेरे भाई देख लीजिए, आप किताब कॉपी में देख लीजिए, एच ब्रैकेट अंदर वी माइनस वी जीरो बराबर 1/2 mv² mx, इतना तो हिलाना। अब रही बात क्या है, इसको इधर कर लेना है, 1/2 mv² है ना, मैक्स इधर लिख देना है, मैक्सिमम इधर कर देगा एच वी माइनस वी जीरो है ना, इतना ही आपको दिखाना था, बस इतना ही तो करना था सर, कर दिया मैंने भाई। समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था ठीक। यहाँ पे एक लाइन लिख देना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को है ना, यहाँ लिख देना भाई, जरूरी चीज है, ये समीकरण फर्स्ट व सेकंड को है ना, को मतलब कि आपस में तुलना कराने पर ठीक। तो बस इतना करना था, हो गया, यही करना। लेकिन अब मैंने बता दिया, अब इसमें रही बात, कोई पूछ लेगा कि बटा दो, जैसे कि एच क्या है, वी क्या है, वी नॉट क्या है, एम क्या है, वी क्या है, आखिर क्या बोलते हैं हिंदी में, तो उसको आप जान लीजिए। तो करना क्या है, स्क्रीन शॉट मेरे भाई, 1/2 mv² mx बराबर h v - v0 है ना, ये क्या आपका आइंस्टीन का समीकरण है ना।
तो अब एच क्या है, एच भैया आपका प्लांक सर्वाधिक नियतांक है, ठीक। वी क्या है, तो प्रकाश की आवृत्ति है। वी नॉट क्या, वी नॉट बोलते हैं, ठीक, ये प्रकाश की दहली आवृत्ति है, ठीक। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। मेरे भाई इतना आपको बता दिया, तो तीसरा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर, अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर ये लिखा है, प्रकाश का व्यतिकर्ष से क्या तात्पर्य है और इसके आवश्यक शर्तें लिखिए, मतलब कुछ आवश्यक नियम दिया गया है उसको लिखिए। कहना मतलब ये है कि पांच नंबर में आता है, लगातार कई बार पूछा जा चुका है कि आवश्यक शर्तें लिख दिए। तो करना क्या आपको, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है, मैंने क्या बोला, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक। मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक। मैंने क्या लिखना, इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बस इतना ही, आसान भी है, ठीक, तो याद कर लेना। अवश्य शर्त क्या है, तीन शर्त लिखना है आपको, दो लिखना है, कोई लिखा तो है कितने लिखिए, ये अपने मन से चाहे दो लिखो चाहे तीन लिखो तब भी सही रहेगा, दो लिखो तब भी। तो पहला नंबर क्या है कि दो तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, और दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। मेरे भाई बस इतना करना और कुछ नहीं, ये बात मान चलिए कि इम्पोर्टेंट है। और ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर के बारे में। पांचवा नंबर ये लिखा है कि डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। ये डायरेक्ट पांच नंबर या आठ नंबर पूछा आता है। भाई आपको सबसे पहले करना क्या है, हेडिंग डालना होगा द्रव तरंगे, ठीक। फिर इसके अंदर क्या लिखना है, उन्होंने यह बताया कि जब कोई द्रव कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन तथा जर्मन ने अपने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है जो एक तरंग का व्यवहार करता है ना, एक तरंग का व्यवहार करता है, इसे हम द्रव तरंगे कहते हैं। मेरे भाई इतना आपको करना है, मैंने अभी ये क्या होता है, द्रव तरंगे या डी ब्रॉली तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, अभी आपका परिभाषा है, अभी आपका व्यंजक बाकी है। तो मेरे भाई इतना आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद इसका व्यंजक बताएंगे, मतलब सूत्र का निर्भित करना। तो इतना आप स्क्रीनशॉट। अब आपको करना क्या है, द्रव तरंगों की तरंगदैर्ध्य, इस मतलब होता है कि आपको व्यंजक करना है। सबसे क्या जाएगा दोस्तों, ई समानुपाती वी के, है ना, तो वी। अब आपको करना क्या है भाई, ई बराबर ये समानुपाती निशान जब हटेगा तो एच वी लग जाएगा, ठीक। अब समीकरण आपका कौन सा बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया, है ना, कौन सा समीकरण, फर्स्ट, ठीक। अब रही बात की एच क्या है, तो मेरे भाई एच आपका क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक, यहां पर लिखना है प्लांक नियतांक, है ना, इतना करने के बाद आपको यहाँ लिखना क्या है, आइंस्टीन के समीकरण से, है ना। अब करना क्या लिखना है, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के समीकरण से या आइंस्टीन के समीकरण से या आइंस्टीन के अनुसार, यहाँ पे क्या कहना है भाई, ई बराबर एम सी स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या हो जाएगा, ई बराबर एम ओ सी स्क्वायर, है ना। अब आपका एम क्या है, तो एम आपका द्रव्यमान कण है, ठीक। यहाँ पे आपको लिख लेना है मेरे भाई कि एम आपका क्या है, द्रव्यमान कण, है ना, द्रव्यमान कण, ठीक। क्या हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड अब यहाँ पे लिखना ये है समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से है ना समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से ठीक अब आपको करना क्या है मेरे भाई लिखना है समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच वी है ना या एच इन्यू समझ सकते हो चाहे इसको आगे इधर रखो चाहे इसको इधर रखो बात है कि अब यहाँ पर आपको करना क्या है मेरे भाई यहाँ पे ये लिखना है कि जहाँ है ना आपको करना क्या है इसको बोलते हैं तरंग धैर्य, है ना, इसे क्या बोलते हैं, तरंग धैर्य। तो हमें करना क्या है, तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो इसको इधर गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा एम सी, फिर है ना एच ओ एम सी हो जाएगा, फिर लेमडा इधर एच हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको रोक लेना है मेरे भाई, तो एच बटे क्या हो जाएगा, एम सी, यही तो आपको निकालना रहता है ना, बस इतना ही तो करना, यही आपका डी ब्रॉली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है, यही व्यंजक है, इतना है करना होता है मेरे भाई। एम क्या है, द्रव्यमान है, सी क्या प्रकाश, तरंगदैर्ध्य, तो मेरा कहना समझ गया। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट।
जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं हमने वीडियो देख करके समझ गए समझ गए। तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना भाई।